हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम. लेट मी फाइंड आउट विच वन. ओके, हाँ, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. दिस इज सॉरी तो ये हो चुका था हम लोगों का लास्ट लेक्चर में. ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. हाउ कैन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स? सो दिस इज अ फार्मूला. सपोज वी हैव 3x3 मैट्रिक्स. 3x3, suppose A is given like this, any element here, so this is called 3x3 matrix. This element is 1, 1, 1, 2, 1, 3. That means it is element having A11, A12, A13, like that. This is A22, this is A33. Okay, so we have to find adjoint of A. How can we find? So adjoint of A is like that. This is a cofactor of 1, 1. How can we find cofactor? I'm taking real example. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2. This is now we have to find cofactor of this element A11. So A11 ka cofactor kya ho jayega? C11. How can we find C11 here? So C11 can be find. दीपक आवाज आ रही है? इट इज ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल. बाकी लोगों का क्या इंटरेस्ट नहीं है क्या? बाकी जिन लोगों का बैक लगा हुआ है उन लोगों को इम्पोर्टेंट है ना आपका? यस सर, आप भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं. तो मैं पिछली क्लास में बहुत सारा चीज जैसे कि मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा रहा था. सो ये इस तरह से जाएगा मैट्रिक्स. लीनियर एलजेब्रा भी चल रहा है. लीनियर एलजेब्रा के बाद आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, है ना. मेनली इस चीज़ के लिए फोकस करना था, मगर मैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया था तो मैं उसको एंड कर देता हूँ. उसके बाद फिर मैं इन सब चीज़ों के लिए फोकस करूँगा. ठीक है सर, है ना. तो मैं एडजॉइंट बता रहा था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं. तो एडजॉइंट तो आपको तो पता ही होगा एक्चुअली. तो एडजॉइंट के लिए क्या होता है कि हम लोग इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है. तो कोफैक्टर क्या होगा, इसको करके आप स्तम 5, 6, 1, 2. तो इसका कोफैक्टर क्या C11 हो जाएगा. C12 का सिमिलरली आप कोफैक्टर निकालेंगे. इस एलिमेंट का 1, 2 का एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे. दैट मीन्स ये वाला कौन कौन सा लेंगे आप, 4, 6 एंड 1, 2. तो ये एडजॉइंट यहाँ से निकलेगा. तो ऑलवेज एडजॉइंट विल बी कोफैक्टर, कोफैक्टर के फॉर्म पे रहेगा, कोफैक्टर के फॉर्म पे. एंड दिस इज ऑल ट्रांसपोज. मैट्रिक्स के जितने भी कोफैक्टर रहेंगे उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो होगा एडजॉइंट. ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए. सो दिस इज अनदर फॉर्मेट. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी, दैट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का ए और उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी. ओके, we move on. So कोई प्रॉब्लम करके देखते हैं. फॉर इनवर्स ये लिखा हुआ है, फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टू एग्जिस्ट डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकालना है, दैट मीन्स उसका मॉड ए डिवाइड बाई में आता है, यहाँ पे डिवाइड बाई में, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. तो मॉड ए मस्ट नॉट बी जीरो. मॉड ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स इट मस्ट बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए. सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसका मॉड जीरो नहीं होता उसको सिंगुल नहीं
is this come it must be not a, a singular matrix. So singular matrix nahi, singular matrix kisko bolte hain jiska mod 0 hota hai usko bolte hain singular. To singular matrix nahi hona chahiye. Any matrix where determinant is 0 is called singular matrix. Okay, so aapko mod 0 nahi hona chahiye uska agar inverse nikalna hai to. Suppose karo how to find 2 cross 2 matrix inverse, to yahan pe likha hua hai ki 2 cross 2 matrix inverse bahut simple hai. To aapka kaise sabse simple hai ye. तो इसके लिए कैसे निकालना है, कोफैक्टर निकालेंगे C11 देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए A के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, दैट मीन्स A के लिए कोफैक्टर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा. सो D A के लिए कोफैक्टर हो जाएगा. C12 क्या हो जाएगा, 12 के लिए, 12 के लिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका -1 और यहाँ पे +1 था, तो ये प्लस हो जा रहा था अल्टीमेटली, अल्टीमेटली ये प्लस हो जा रहा था. तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, तो यहाँ पे सी हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस सी. और सी वन थ्री के लिए कोफैक्टर निकालना है, इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये अगेन माइनस ऑफ बी. ठीक है, एंड C13 हो गया, अच्छा नहीं C12, this is element 1 1, this is element 1 2, this is element 2 1, okay, sorry, this is 2 1, na? this is 2 1, then again 2 2 kya ho jayega, 2 2 ke liye a ho jayega. Ab jitne bhi cofactor hain usko aap yahan se likh lijiye, yahan pe kya kya cofactor aayega, c11 ka c11, c12, c21 and c22. ab iska transpose nikalna hai aapko, to ye kya ho jayega aapka D और C12 क्या है, C12 में पास D माइनस C माइनस B एंड यहाँ पे A. अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स. अब इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई मॉड ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई मॉड ऑफ A निकल जाएगा. तो आपका 2 क्रॉस 2 का हाँ आश एश क्या कुछ क्वेश्चन है क्या भाई, एश क्या नाम है आपका, बोल सकते हो इन बिटवीन. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, ये आपकी मैट्रिक्स दी हुई है, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. व्हाई, बिकॉज मॉड ऑफ A इज 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इज 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ना. तो इसका आपका इन्वर्स नहीं निकलेगा, बस यही बता रहा था कि यहाँ पे इन्वर्स इसका नहीं निकलेगा, इन्वर्स इज नॉट वैलिड. डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट ऑफ ये दिया हुआ है, खैर 0 आंसर दे दिया है यहाँ पे, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमको सीखना है कि कैसे निकलेगा. फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, आराम से निकाल सकते हो आपको डिटरमिनेंट, जैसे कि मल्टीप्लाई कॉलम विथ ABC, किसी भी कॉलम पे आपका ABC से मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाले कॉलम पे कर दीजिए, इस वाले कॉलम पे ABC से मल्टीप्लाई कर दीजिए ABC से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका BC, यहाँ पे आ जाएगा CA और यहाँ पे आ जाएगा आपका AB. नॉट टू कॉलम इज विल बी सेम, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम विल बी सेम, दैट मीन्स अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के दो कॉलम या फिर दो रो सेम हो, तो आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है. ठीक है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट आपको ये सारा नोट्स दे दूंगा, ये जितना भी मैं नोट्स यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे स्लाइड्स के माध्यम से, मैं सारा चीज़ आपको दे दूंगा, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. लिखना विखना है तो आप कभी सॉल्व करना है तो कॉपी पेन ले लीजिए आप लोग, है ना. जैसे कि ये है आपके पास, ये एक मैट्रिक्स है, ये 4x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास, 4x4 का मैट्रिक्स है. दिस विल बी ऑल रो, है ना, ये समझ में आता होगा आपको कि रो ये है, ये एक्स ए ए ए ये वाले रो हैं और ये वाले कॉलम हैं, ये नीचे वाले जो हैं वो कॉलम है, ये कॉलम समझा रहे हैं. ठीक है, ये कॉलम है, तो इसमें क्या है कि हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, R1 - R2 अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 - R2, दैट मीन्स R1 में चेंज करना है, R1 में, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इसको R1 में चेंज करना है, R1 - R2, दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस. ओके, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए था. एंड सेकेंड इज R3 में चेंज करना है, R3 - R4, तो ये एलिमेंट ये मिल रहे हैं आपको, है ना, जस्ट ऐसे इसका आप निकाल सकते हो उसके बाद, क्योंकि अब इसके बाद क्या हो गया, डिटरमिनेंट अगर निकालना हो इसका, फाइंड आउट डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे आपको अल्टीमेटली इसका एक्सपांशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो,
आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये एक्चुअली इसमें स्लाइड्स में था पहले से ही प्रॉब्लम, तो मैं वो अब कर सकते हो यहाँ पे. जैसे कि क्योंकि यहाँ पे 200 आ गए हैं, तो ये वाला एलिमेंट लेना ज़्यादा ईजी है. एक्स माइनस ए ले लो, एक्स माइनस ए एंड को फैक्टर ऑफ सी वन वन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है को फैक्टर ऑफ सी वन वन एलिमेंट एंड ए माइनस एक्स एंड को फैक्टर ऑफ सी वन टू. अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सी वन वन कैसे निकलेगा एंड सी वन टू. ओके ये बन जाएगा आराम से. फाइंड द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. ये सब तो ईजी है, मतलब कि थ्री क्रॉस थ्री का मैंने नहीं बताया, तो 3x3 का बता देते हैं कि इनवर्स कैसे निकालना है. तो 3x3 के लिए इनवर्स के लिए फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि को फैक्टर ऑफ इच एलिमेंट्स. जैसे कि इसका C11 क्या है, C11 क्या कैसे निकलेगा, 2x1 - 3 है ना. 2x1 दिख रहा होगा आपको, 2x1 1 हो जाएगा, 2 - 3 आ जाएगा, 2 - 3 दैट मीन्स -1 है ना. तो ये हैंड टू हैंड होना चाहिए ये, और इसका C12 निकाल लीजिए, C13 निकाल लीजिए, तो ये इस तरफ से आपका आंसर आ जाएगा है ना. ये बताना पड़ेगा क्या, हो जाना चाहिए ये. ये टेबल एक्चुअली बना हुआ है, ये कोई दूसरा टाइप का मेथड है, ये मैं अभी डील नहीं कर रहा हूँ. ये एक अलग मेथड होता है फॉर इनवर्स, ये उसने इस तरह से निकाला है. एक आध और प्रॉब्लम देखते हैं इसका. जैसे कि इनवर्स निकालना है इसमें, ठीक है. ये एक अच्छा प्रॉब्लम है. फाइंड द डिटरमिनेंट, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस 5x5 मैट्रिक्स. क्या होगा डिटरमिनेंट, कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट, क्या ये सही आंसर है, क्या ये डिटरमिनेंट का सही आंसर है, कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट. इसमें आप एक्सपांशन करने जाओगे तो बहुत लेंथी होगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए हम लोगों को. कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा बताइए, कोई सा भी कर सकते हैं आप, माइनस करके कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे इसमें लिया हुआ है व्हाट विल इज आंसर, कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करो इसमें. जैसे कि यहाँ पे लिया है एक सिंपल सा एलिमेंट लिया है यहाँ पे वन. इसको एक्चुअली बनाने का तरीका है कि सबसे पहले आप 2x2 वाला मैट्रिक्स देख लेते हैं. 2x2 में भी इसी तरह का एलिमेंट लेते हैं, 1+a और नीचे a b, और इसी टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे भी, इसी टाइप का ही है. और अगर एलिमेंट बढ़ाओगे आप, ऑर्डर बढ़ाओगे तो सी डी ई इस तरह से पहुँचेगा है ना. तो सेम इसी तरह से कुछ दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 2x2 वाला मैट्रिक्स को. 2x2 वाला मैट्रिक्स को करेंगे आप, सिंपल है, C1+C2 कर दिए इसमें, C1+C2 दैट मीन्स C1 में चेंज किया है C1+C2, तो ये इस तरह से आ जाएगा. तो इस तरह से आ जाएगा दैट मीन्स आपका ये इसको कॉमन निकाल सकते हो. 1+a+b कॉमन हो गया, 1+a+b कॉमन हो गया. अब आपके पास यहाँ पे सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा यहाँ पे. यहाँ पे और सिंपल करना है तो R2-R1 कर सकते हो. R2-R1 इस तरह से मैट्रिक्स मिल जाएगी. R2 में चेंज करो, R2-R1 कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया. इस डिटरमिनेंट का आंसर 1 है और अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 1+a+b. अब ऐसे ही आपको ऑर्डर और बढ़ते जाएगा तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+a+b+c+d e इस तरह से आएगा आपका आंसर. तो ये कितना भी ऑर्डर का इस तरह से मैट्रिक्स बन सकता है ना. जैसे कि थर्ड ऑर्डर का बनाया है, थर्ड ऑर्डर में भी आंसर आपका क्या आ जाएगा आपके पास, 1+a+b+c, ठीक है. नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडल टाइप का क्वेश्चन है. ये एक मॉडल, इस तरह से मॉडल टाइप का क्वेश्चन है ना. तो इसका क्या आंसर आएगा, अगेन यहाँ पे हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, C2 - C1 कर सकते हैं, C2 - C1 एंड C3 विल बी चेंज, C3 - C1, तो इस तरह से मिल जाएगा. नाउ यहाँ से आप क्या कर लो, B - C, यहाँ इसको लिख लो, इसको लिख लेना आप B+a, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है ना. तो यहाँ से इसको सेपरेट कर लेना C - b. नाउ यहाँ से कॉमन निकाल लो, यहाँ से b- इस पूरे कॉलम से कॉमन निकल जाएगा b-a, और इस पूरे कॉलम से कॉमन निकल जाएगा c - b, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा. इस तरह से b-a और c - b कॉमन निकल गया. अब इसको एक्सपांड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका ये. अब इसी को मैं आगे और एलिमेंट के लिए बढ़ाते हैं. सपोज करो यहाँ पे मेरे पास c² तक था, अब यहाँ पे मैं d² तक कर देता हूँ. यहाँ पे 4x4 की मैट्रिक्स लेना पड़ेगा मुझे, तो आंसर क्या हो जाएगा, a-b, b-c, c-d,
डी माइनस ए। तो आपको इस तरह से कभी भी मैट्रिक्स दिखता है तो शॉर्ट ट्रिक है, या फिर इसी के सिमिलर कोई इस तरह से मैट्रिक्स दिखा आपको, है ना, इसके सिमिलर मान लो इसी इस छोटा सा मैट्रिक्स है, इसके सिमिलर मैं बताता हूँ। वन 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 दिखा यहाँ पे आपके लिखा है, यहाँ पे टू फोर थ्री है ना, अब यहाँ पे फोर सिक्सटीन नाइन, तो इसका आंसर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, इसकी ये ए है, ये ए के इक्वल है, ये बी के इक्वल है, ये सी के इक्वल है। अब यहाँ पे आप कर लीजिए बी माइनस ए, बी माइनस ए डेट मीन्स फोर माइनस टू क्या हो गया टू, मल्टीप्लाई विथ सी माइनस बी, सी माइनस बी डेट मीन्स थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर डेट विल बी माइनस वन, एंड सी माइनस ए क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू डेट मीन्स वन, तो ये आंसर क्या आ जाएगा माइनस टू। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है जस्ट। एक क्वेश्चन ये वाला है, ये हो सकता है क्या, देखो अगर ए आई जे मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एक्चुअली इसको ऐसा लिखना था समेशन के फॉर्म पे, ठीक है, इस तरह से थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, ए के उसका डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास मॉड ऑफ ए क्या है आपके पास टू। नाउ बी, बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स वो भी थ्री क्रॉस थ्री है, और वो इस तरह से है कि सारे एलिमेंट में यहाँ पे आई और जे का मतलब कि रो और कॉलम का, यहाँ पे जो जितना भी रो और कॉलम होगा उसको यहाँ पे पावर लग जाएगी। अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग एक्सपांड करके लिखें तो इस तरह से मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ए वन वन है, वन वन है तो दैट मीन्स वन प्लस वन का पावर क्या हो जाएगा टू हो गया, यहाँ वन टू है तो यहाँ पे टू थ्री हो गए, तो इस तरह से। तो इसकी क्या आप निकालना है, इसके इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट, सिंपल है सिंपल है, कैसे कॉमन ले लीजिए, पावर पावर कॉमन ले लो, है ना, यहाँ पे जैसे कि टू स्क्वायर कॉमन ले लिया, इस वाले कॉलम से टू स्क्वायर कॉमन ले लिया, इस वाले कॉलम से टू की पावर क्यूब कॉमन ले लिया, इसमें टू की पावर फोर कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमने पास, हमारे पास ये बच गया, हमारे पास ये बच गया, है ना, ये बच गया हम लोग के पास। अब इसको और कैसे करना है आगे, अब इसको और भी यहाँ से अब यहाँ से आप दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो, यहाँ से टू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जो आंसर आएगा बाकी ये बन गया, एक टू यहाँ पे बचा ही था, तो आंसर क्या आ जाएगा टू स्क्वायर टू की पावर क्यूब मल्टीप्लाई विथ टू की पावर फोर मल्टीप्लाई विथ टू मल्टीप्लाई विथ टू स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ टू। टू क्यों आया, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ए मॉड ऑफ ए बचेगा लास्ट में, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बस टू है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा ये कितना हो रहा है पावर, तीन दो पाँच चार नौ दस ग्यारह बारह तेरह, है ना, टू की पावर थर्टीन राइट है, ठीक है। ये ईसी 2000, अब गेट के क्वेश्चन करते हैं, बताइए आंसर आ रहा है क्या किसी का, है ना, बताओ आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी कराऊंगी लेट लेट से कराऊंगा। क्या आंसर आएगा देखो, क्या हो गया J6, कंसीडर द मैट्रिक्स हैविंग दिस सिक्स क्रॉस सिक्स है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो J6 मेरे पास ये है, ये वायलेट कलर में जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, इग्नोर करो इसको, this will be ignored यहाँ पे थोड़ा। तो which is obtained by reversing the order, J6 कैसे obtained किया है, reversing the order of identity matrix, identity matrix रहता तो that means उसके principal diagonal में क्या रहते हैं हमारे 1 1 1 रहता, मगर यहाँ पे ये कहाँ पे 1 1 है, this is not in principal diagonal, opposite to the principal diagonal, ये अलग दूसरे तरफ का principal diagonal है ना। तो ये क्या बोल रहा है, column of the, तो J6 को कैसे अचीव किया गया, आपके जो 6x6 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसको हम लोग को रिवर्स करके उसको अचीव किया गया। नाउ लेट P एक मैट्रिक्स बना रहा है, P एक मैट्रिक्स क्या बना रहा है, I6 plus A J6, J6 क्या है यहाँ पे, I6 plus A J6, I6 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 6 ऑर्डर एंड J6 दिस इज गिवन राइट देयर। तो अब क्या होगा, वेयर A इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ए क्या है आपके पास नॉन निगेटिव रियल नंबर है, निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पी इज इक्वल टू जीरो, फॉर दिस
the value of determinant p is equal to 0, so what will be the value of a? A ye pucha hai, what will be the value of a? Dekho ab dhyan se, इरेजर है क्या? जस्ट मिनट, इरेजर। हाँ, अब इसको ध्यान से देखो कि ये क्या बन रहा है। क्या आ गया यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये क्या, ये वाली मैट्रिक्स क्या बन रही है? ये वाली मैट्रिक्स आके P बनती है। P क्या है? I6 प्लस AJ6। तो I6 प्लस AJ6 का क्या इसी तरह से दिखेगा क्या कि यहाँ पे एक 1 होगा, दैट मीन्स I6 क्या हो गया आपके पास? I6 मतलब 6, ये इस तरह से है I6। I6 क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 सर, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 हो सकता है, बट आंसर आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे? नॉन नेगेटिव, दैट मींस आंसर विल बी 1 1। एग्जैक्टली सही है, सही है, आंसर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस माइनस 1 दोनों की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका a को इस वाले मैट्रिक्स पे देखिए, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स बन रही होगी। दीपक यहाँ तक तो पहुँच गए होगे, है ना, जैसे बता रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस उसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर, इसको अगर 0 होना है तो क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर मस्ट बी 1, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस माइनस 1, बट यहाँ पे नॉन नेगेटिव नंबर है, तो उसके क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ओके, आगे बढ़े। हाँ, ये वाला करिए, ये वाला करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल, ये आंसर आराम से करिए उसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट इक्वल। देखो ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से चलते हैं, इस वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं, इस वाले, इसमें तो मेरे को ख्याल से कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या किया है। अभी इसको छोड़ देते हैं, जो इजी ऑप्शन है उसको पकड़ते हैं, पहले बी वाले ऑप्शन को पकड़ते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या किया है इसने कि C1 कॉलम पे, सॉरी C2 कॉलम पे 1 ऐड किया है, एंड C3 कॉलम पे 1 ऐड किया है, और चेंज किस में किया है आपके पास? C2 में ही चेंज किया है, और C3 में भी चेंज किया है। तो क्या ये इक्वल होगा क्या? क्या ये इक्वल होगा इसके, इस मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट से? यस सर, होगा। यस सर, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 किया, यहाँ पे भी 1 किया। अगर इसकी बात करें, सी वाले की बात करें, तो क्या इक्वल होगा? इसमें क्या किया हम लोगों का? रो में चेंज किया, रो R1 को चेंज किया है, R1 माइनस R2, एंड R2 को चेंज किया है R2 माइनस R3, दैट इज ऑल्सो मस्ट बी सेम मैट्रिक्स। ये भी एक ही इसी मैट्रिक्स के जैसा ही है। और लास्ट वन, इस वाले को, डी वाले को भी क्या किया है इसने? डी वाले को क्या किया है? एक्स प्लस वाई, मतलब कि इसमें, अच्छा, ऐड कर दिया है, R1 प्लस R2 कर दिया है, R1 प्लस R2 चेंज कर दिया है R1 में, और R2 में क्या किया है? R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, है ना। तो अब कौन सा क्वेश्चन में क्या बोला? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मतलब कि इक्वल नहीं है। तो क्या फर्स्ट वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले में क्या किया है इसने? फर्स्ट वाले में किया है इसने कि, अच्छा, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स कैसे अचीव हो रहा है? 1 1 1, एक काम करते हैं हम लोग, इसको एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड जेड प्लस जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पे ओके, नो नो नो, एक काम करते हैं हम लोग, C2 को चेंज करते हैं, C2 को चेंज, माइनस आ रहा है सर। हाँ, ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यस यस, करेक्ट करेक्ट। क्यों माइनस आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अपने इसमें क्या होना चाहिए था? इसको इधर होना चाहिए था, और इसको इधर होना चाहिए था, है ना, तब सही होता। यस सर, ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दिस का डिटरमिनेंट निकालना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, है ना, आराम से निकल सकता है। एक्सपांड कर दो डायरेक्टली, अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो इसका जैसे कि कोफैक्टर निकालना है, तब
सबसे इजी कौन सा, कहाँ से निकालना होगा? डिटरमिनेंट निकालना है इसमें, इस वाले को पकड़िए, इस वाले रो को पकड़ना है, इस वाले रो को पकड़ते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो अपन C21 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई विथ 1, और C32 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं विथ मल्टीप्लाई विथ 3. C21 इस तरह से निकलेगा, है ना? और C31 के लिए क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये निकल जाना चाहिए, बहुत इजी है दमी, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? सर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट फार्मूला कुछ हो? अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट फार्मूला? हाँ, शॉर्टकट फार्मूला है ना, बहुत सिंपल है उसके लिए तो. अपर और लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट की पूरी बात कर रहे हो? यस सर. हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट क्या होता है, हमेशा ये ए बी सी मल्टीप्लाई, मतलब कि इसके डायगोनल एलिमेंट में जो भी एलिमेंट होंगे उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी सेम होता है ऐसे ही, अगर ऊपर में एलिमेंट है नीचे में 0 0 है तो भी यही होगा. इसी की बात कर रहे थे ना, ये फार्मूला की? यस सर. हाँ, तो ये फार्मूला है, ठीक है ना? ये हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन. अच्छा, ये वाली स्लाइड खत्म हो गई, अब मैं दूसरा, ये हो जाएगा ना दीपक, ये वाला क्वेश्चन? यस सर, हो जाएगा. आगे वाली स्लाइड करते हैं हम लोग. अच्छा, ये तो वही पुराना वाला है. आ गई स्लाइड, अपलोड हो गई. कुछ और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक पॉइंट देखते हैं कि कितने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे. नंबर ऑफ टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, ये कोडिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, कोडिंग में CSE वाले लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है ये सब चीज़, है ना? ठीक है, उससे क्या करना है हमको, जैसे कि ए और बी ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन एंड बी इज एन क्रॉस बी इज गिवन एंड हैविंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो हो गई क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैच हो रहा है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए मल्टीप्लाई बी बी करना है तो क्या, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन मल्टीप्लीकेशन में, मतलब कि ये इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना कितना होना चाहिए. सिंपल सा आप 2x2 का करके देखो, 2x2 का कोई मैट्रिक्स लो उसको करके देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 4 नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे. 4 नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई करता है क्या, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन नीडेड एम पी एन. कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है मेरे पास एम क्रॉस एन, एन पी है एन क्रॉस पी, एन क्रॉस पी, तो क्या इसमें मल्टीप्लीकेशन कितने चाहिए हमको, अगर 2x2 या फिर 2x2 मल्टीप्लाई विद 2x2 का करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 8, 8 होना चाहिए क्या नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो ऊपर यहाँ पे एक होगा, यहाँ एक होगा, यहाँ एक होगा. अच्छा, एक करके देख लेते हैं 2x2 का. इसको अगर यस सर, 8 होगा, 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 2x1 प्लस यहाँ पे 1x1, एक ये एलिमेंट हो गया, 2x1 प्लस 1x2 एक ये एलिमेंट हो गया, 3x1 प्लस 4x1 ये एक एलिमेंट हो गया, और 3x1 प्लस 4x2 ये एक एलिमेंट होगा. तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये, है ना? तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है. एडिशन कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4. तो एडिशन के लिए फार्मूला क्या दिया है इसने, एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी दैट मीन्स 2x2 मल्टीप्लाई विथ 2-1, है ना? तो ये तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, 2x2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये फार्मूला याद रखना है मेन, कि एम क्रॉस पी क्रॉस एन बार मल्टीप्लीकेशन होता है, एडिशन कितने बार होता है, एम क्रॉस पी मल्टीप्लाई विथ एन माइनस वन बार होता है.
ठीक है, एक ये पॉइंट है कि ए मल्टीप्लाई विद बी, अगर ए मल्टीप्लाई विद बी करने से जीरो जीरो होता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो एक केस तो ये हुआ कि या तो आपका ए जीरो या फिर बी जीरो हो, ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स हो, या तो ये हो सकता है, या तो ए नल मैट्रिक्स हो और नल मैट्रिक्स का मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो 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 जीरो, और या तो बी इज नॉट नल मैट्रिक्स देन ऑल्सो ए मल्टीप्लाई विद बी इज इक्वल टू जीरो, और थर्ड केस क्या हो सकता है, या तो ए इसका उल्टा बी नल मैट्रिक्स हो। और लास्ट वाला ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों अगर नहीं है, दोनों जीरो नहीं है और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो आता है, ये तभी पॉसिबल है जब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होना चाहिए आपको, जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिनके मॉड जीरो होते हैं, ठीक है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे मॉड अगर जीरो नहीं है तो ये तो फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ लिया था कि ए मल्टीप्लाई विथ, अगर मॉड जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली उसका इन्वर्स तो निकलेगा ही, तो ए और ए इन्वर्स का क्या होगा, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। सिमिलरली इसको हम लोग इधर भी उधर भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों यहाँ पे चेंज हो सकता है, एसोसिएटिव लॉ लग सकता है, ठीक। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, ए बी का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो बी इन्वर्स मल्टीप्लाई विद ए इन्वर्स होता है, कैसे कैसे होगा बताइए। ये होता है, ये तो पता है ना, किसी भी ए बी इस तरह से भी निकाल लो ना तो भी यही होगा, सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली फार्मूला होता है आपका मैट्रिक्स में कि किसी का भी आप इन्वर्स ऐसे निकालोगे तो इंडिविजुअली आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसका लेना पड़ेगा। तो इसका ये है कि ए बी इज ए मल्टीप्लाई विद बी क्या है, सपोज करो आई है, कैसे बनाए ये ए बी, सो व्हाट मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए, अच्छा ठीक है। इसमें क्या किया है, इसमें ए बी इस तरह से मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, सपोज करो एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आपके पास बी इनवर्स और ए इनवर्स, तभी तो यहाँ पे ए और बी, तभी तो ये वन हो जाएगा, वन होने के बाद फिर ए और ए इनवर्स यहाँ पे ये भी वन हो जाएगा, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, है ना। अब इसको अपोजिट लिखते हैं, ए बी और यहाँ पे बी इनवर्स, जिसे यहाँ पे लिखा है ए बी डॉट बी इनवर्स ए इनवर्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या बताना चाह रहे हैं आप, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक्चुअली ये मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था कि ए बी का इन्वर्स क्या होता है, ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई करता है, और सिमिलरली आप आगे बढ़ाओगे ए बी सी तो ये इस तरह से फार्मूला सेटिस्फाई करता है। अभी कैसे आया आप इस पर एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, इसको कोई एग्जाम्पल लेके, हाँ जैसे कि सिमिलर मैनल पे ये लिखा हुआ है ए बी सी का इन्वर्स, तो ये सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर है सबका, जैसा कि दो टू क्रॉस टू है तो टू क्रॉस टू सबका होगा, सच दैट सी ई डी बी जी ए एफ इज इक्वल टू आई, फाइंड बी इनवर्स फाइंड करना है, इसमें से क्या आंसर आएगा, फाइंड बी इनवर्स। बी इनवर्स फाइंड करना है, करके देता हूँ क्या आ रहा है, मैं भी करके देखता हूँ, आप भी करके देखो।
यहाँ पे लिखा है ये आंसर आ रहा है क्या? क्या था मेरे पास? CEDBGF यस सर, यही है GF आ गया ना। तो इसमें से हम लोग यस क्या, सर। हाँ इसमें से मतलब मैं क्या बताना चाह रहा था, इसमें से जैसे कि यहाँ पे किसी भी तरह से ये दिया होगा आपके पास CEDBGAF। अब यहाँ से आपको बी इनवर्स फाइंड करना है, तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा GAF और फिर यहाँ से CED, ये कितने भी नंबर का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ई इनवर्स सपोज करो फाइंड करना है, ई इनवर्स क्या हो जाएगा, ई इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करो DBGAF और C, है ना। और यहाँ पे सी इनवर्स सपोज फाइंड करना है, सी इनवर्स में तो डायरेक्टली है कि EBDGAF, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है, ठीक। आगे देखते हैं कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है तो समझ में आ गया होगा, आज ही बता रहा है। एडजॉइंट में क्या होता है, आपका कोफैक्टर का ट्रांसपोर्ट रहता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ये तो फार्मूला हो गया ए इनवर्स का फार्मूला हो गया। तो ए इनवर्स का फार्मूला तो यही हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये एक हो गया एडजॉइंट क्या होता है हमारे पास, आपके पास ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, दिस इज योर कॉन्स्टेंट, दिस इज इन योर मैट्रिक्स फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म पे होगा, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ए इनवर्स के साथ पे यहाँ पे के का मल्टीप्लाई करना है या फिर मॉड के साथ पे के का मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स मॉड के साथ पे के का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास। अगर किसी किसी ए मैट्रिक्स का मॉड मेरे पास 10 दिया हुआ है, किसी ए मैट्रिक्स का मॉड 10 दिया हुआ है, अब मैं बोल रहा हूँ 5A मैट्रिक्स का मॉड कितना होगा, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले पूछना है कि भाई ऑर्डर कौन सा है। सपोज करो इसका ऑर्डर 2+2 है, तो क्या होना चाहिए, हमेशा आपका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑलवेज ऑलवेज डिफाइंड बाई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दैट मीन्स रो और कॉलम सेम होना चाहिए, 2x3 वाला डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता, 5x A है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5A, 5A का मॉड क्या हो गया, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 10, तो ये 25 मल्टीप्लाई विथ 10, तो ये 250। तो यही बोल रहा है कि ये KA इज इक्वल टू K की पावर n d। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स क्या होता है आपके पास, 1 बाई मॉड ए, के ए इनवर्स हो जाएगा, तो के ए इनवर्स क्या हो जाएगा, के की पावर एन डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। तो इसके ये सब फाइंड कैसे करते हैं, ये सब फाइंड कैसे होगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पे बता देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ए मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए, ठीक है, या फिर इसको ए इनवर्स लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब
एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकालना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ए इनवर्स, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट है किसी, अभी यही यही प्रॉपर्टी पढ़ाया है, कॉन्स्टेंट है और ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर एन हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एन, वो भी मॉड के साथ में आएगा और ए इनवर्स ये हो जाएगा ए, इसको और कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए की पावर एन डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एन माइनस वन, वही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए मल्टीप्लाई विथ एडजॉइंट ऑफ ए, ए मल्टीप्लाई विथ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए को फिर आप लिख सकते हो ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स मल्टीप्लाई विथ मॉड ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप मॉड ए और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये आंसर आ जाएगा। अगर एन क्रॉस एन ऑर्डर का है, यहाँ पे तीन चार फाइव क्रॉस फाइव ऑर्डर का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, तो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, एडजॉइंट 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 है ना, इसको इसका मॉड निकालना है, एडजॉइंट का एडजॉइंट एडजॉइंट, तो इसका आंसर क्या होता है, एन माइनस वन का स्क्वायर, कैसे आ रहा है देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन, अभी बताया था। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपके पास, मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, दैट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे क्या है उसका, फिर इसको सपोज करो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोई बी, बी मान लेते हैं, अब एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ बी है ना, इसको मैं मान लिया एडजॉइंट ऑफ बी का अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, बी का एन माइनस वन, अब बी क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ ए एन माइनस वन, अगेन एन माइनस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन मॉड ऑफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला है, क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये किसी कितना भी आप एडजॉइंट एडजॉइंट लगा लो, ये बढ़ते जाएगा, दो तीन चार पाँच, अगर इसमें आगे और अगर करना है एडजॉइंट ऑफ ए, उसके फिर और आगे 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 दो तीन बार एडजॉइंट लगाना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीन बार लगाया तो यहाँ पे एन माइनस वन की पावर थ्री हो गया। ठीक है, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दो तीन लेक्चर लगेगा मेरे को ख़त्म कराने में, आज यहीं पे ख़त्म कर दें, दो तीन लेक्चर और लगेगा सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, उसके बाद फिर आपका रैंक वगैरह पढ़ाना है, तो उसके बाद हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है दीपक, ये डेढ़ बजे ही हम लोग क्लास रहेगी, डेढ़ बजे क्लास रहेगी है ना, आधे एक घंटे की क्लास रहेगी, इसी में हम लोग ख़त्म कराएंगे। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू।